और जहां तक अखंड भारत का सवाल है, आप राम माधव और इन माधवों को छोड़ें, हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी अखंड भारत का ही सपना लेते हैं। और बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का, अमेजिंग गेम खेला है, लेकिन उसने दूर की नहीं सोची, उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं तो कर दूंगा। हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो उसके क्या डायमेंशन होंगे। और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी टारगेट्स पर होगा, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पे होगा, आतंकवादी लॉन्च पैड्स पे होगा, हाफिज सईद के घर पे होगा, लकवी के घर पे होगा, मुरीद के पे होगा, ऐसी जगहों पर होगा। आईएसआई तने तनहा अल्लाह ताला के फजलो करम से रॉ, एनडीएस, मुसाद और सीआईए चार टॉप की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका मुकाबला कर रही है। उसके फाटक ने पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा और रखकर आलमी प्रेशर पर करार रखा हुआ है। चौथा, इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान बदस्तूर आईएमएफ की कॉलोनी बना हुआ है और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, जिससे मुल्क को बचाना वक्त की अहम जरूरत है। रही बात अवाम की, तो वो भी लगता है कि सिर्फ टिकटॉक बनाने और देखने में लगी हुई है, किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं कि हमारे दरवाजे पे क्या मुसीबत दस्तक दे चुकी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी व्यूअर्स आते हैं वीडियो को देखते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। वो जिस प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं वो अखंड भारत का प्रोजेक्ट है और आप 65 पे आते हैं कल साहब। मैं थोड़ा सा, आपने क्योंकि बात की तो मैं हल्का सा इसमें बता दूं, कल साहब अगर भारत की ये एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी ना हो, ये अखंड भारत, और आप ये अपने आप को एक्सपेंड ना करें, तो यकीन करके माने हमें तो आपसे कोई मसला ही नहीं है। ये कश्मीर क्या है, आप कश्मीर को छोड़े वो तो 47 की बात है ना कल सब। आज भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें अखंड भारत पे, आज मुझे मेरा ख्याल है राम माधव जो के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं या अभी भी हैं आई थिंक बीजेपी के, उन्होंने कहा इसके ऊपर बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा। उसके अलावा कई जो पिछले दिनों उत्तराखंड के आई थिंक सीएम थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे बीजेपी के लीडर कहते हैं कि ये जो छोटे मोटे मुल्क हैं साथ में, हम ये साथ में ला लेंगे, वहां पे अपना जो अपने एक्सपैंड करेंगे। सो हम तो समझते हैं कि आपकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी और कश्मीर पे कब्जा भी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो हम कोई अपने हम कोई आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो अपने आपको दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, हम उस तरह एक्सपेंड नहीं करना चाहते हम आपको अपने आप को कल साहब, हम सिर्फ अपना दिफा करना चाहते हैं, और अगर आपके इस तरह के डिजाइन 47 ऑनवर्ड ना होते तो हमें इतनी बड़ी फौज और ये सारा कुछ, फिर आप न्यूक्लियर में चले गए, फिर हमें वो भी करना पड़ा, तो हम तो अपनी छोटा सा। और जहां तक अखंड भारत का सवाल है, आप राम माधव और इन माधवों को छोड़े, हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी अखंड भारत का ही सपना लेते हैं। हमारा जो जो कल्चर है वो इंडस वैली से ही आता है और पूरे पंजाब में हमारा पूरा कल्चर लिखा गया है, तक्षशिला में हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं और पेशावर से लेके और कराची तक ये पूरा इलाका हिंदू सिविलाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए बिल्कुल दिल के करीब है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि अखंड भारत हो, चाहे इसके लिए हमें कुरान क्यों ना पढ़नी पड़े। अब क्या होता है कि जब शर्मो शर्मी काम चल रहा होता है तो चल रहा होता है, जब एक बार पर्दा उठ जाता है तो शर्मो लिहाज जो है खत्म हो जाती है। और ये जो अभी जो नया जो 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 डेंजरस जो खेल शुरू किया है इसमें पर्दा हो गया है। तो मैं ये बता रहा था कि 10,000 से 50,000 के ड्रोन को अगर आपने ट्रैक करना है तो उसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म के रडार आते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आप चलिए ट्रैक कर लिया आपने, आप ट्रैक कर लिया आपने, इसराइल से टेक्नोलॉजी ले ली आपने, ट्रैक कर लिया, बट उनकी रेंज बहुत कम होती है। और ट्रैक करने के बाद अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है, जैसे स्पैरो मिसाइल है और भी मिसाइल है, तो एक मिसाइल 15 करोड़ की है, तो 15-20 हजार के ड्रोन को उड़ाने के लिए आप 15 करोड़ की एक मिसाइल लगा लें, उसको ट्रैक करने के लिए आप 5-10 करोड़ का रडार लगा लें, और उस रडार को मैन करने के लिए एक पूरी एक शिफ्ट बना लेगी, 2-2 घंटे की मैनिंग हो रही है, फिर एक आदमी को उसको प्रोसेसिंग में लगा दें, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप बना दें सिर्फ 1-10 हजार के ड्रोन को तबाह करने के लिए। तो ये बहुत बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का, अमेजिंग गेम खेला है, लेकिन उसने दूर की नहीं सोची, उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं तो कर दूंगा। हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी
तो उसके क्या डायमेंशन होंगे। अब हम लोग आतंकवादी तो सपोर्ट करते नहीं है, तो हम उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी एयरफोर्स में है, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू रिप्लाई। अब इसके अंदर चीमा साहब एक और चीज सोचने वाली है, जो आपका जो न्यूक्लियर जो थ्रेट की जो वो एक जो कहानी एक जो पर्दा बना के रखते थे, आप लोगों ने उसको खुद ही फाड़ दिया। अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा, और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी टारगेट्स पर होगा, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पे होगा, आतंकवादी लॉन्च पैड्स पे होगा, हाफिज सईद के घर पे होगा, लखवी के घर पे होगा, मुरीद के पे होगा, ऐसी जगहों पर होगा। तो उसको आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब यूनाइटेड नेशंस की ब्लैकलिस्ट में है। तो हम तो टेररिस्ट को के पीछे जाएंगे, और आप उसके 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 एवज में आप न्यूक्लियर धमकी जो देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन अब ये काम हो गया है और एनआईए की रिपोर्ट आनी है। अभी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन जो अभी जो खबर जो मिल रही है सोर्सेस के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ के आए। मैं पर्सनली मेरे को बड़ा अजीब लगता है इसको बिलीव करना कि ये पाकिस्तान से उड़ के आए। आई एम श्योर ये लोकल टेररिस्ट सेल्स के जरिए यूज किया गया होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से उड़ के आए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान ने करी। आईएसआई तने तनहा अल्लाह ताला के फजल व करम से रॉ, एनडीएस, मुसाद और सीआईए चार टॉप की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनका मुकाबला कर रही है। उसके साथ अंदरूने मुल्क से भी जो उन पर हमला होता है, कोई भी काले शीशों वाली गाड़ी है ये आईएसआई की है, किसी को पत्थर लग गया ये आईएसआई ने मारा है, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल ली उन्होंने मारा है, किसी को उठा लिया किसी के अपने लड़की के भाइयों ने मारा आईएसआई ने। तो ये जो अंदर से हमले हैं और बाहर से हमले हैं, आप देखें कि कितना मुकाबला उनका करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से मेरी ये सजा है कि कम से कम अंदरूनी हमलों से अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को बचाएं, बैरूनी ताकतों से ये इंशाल्लाह निपट लेगी। अच्छा, मैं वो जो आप बात करें इसराइल की, उसमें आप ये याद रखें कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसका उसका छोटा बच्चा है इसराइल, वो बिल्कुल उसको अपने गोद में रखता है, और आप ये समझे कि जो कुछ इसराइल करता है वो अमेरिका की आशीर्वाद होती है उसको। अमेरिका सुपर पावर है सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी मिलिट्री पावर बहुत है, इकोनॉमिक पावर बहुत है, पॉलिटिकल पावर बहुत है, एक और पावर जो आप लोगों से रिलेटेड है और समझना चाहिए आपके नाज़रीन को, परसेप्शन मैनेजमेंट। हुकूमत, फवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरारें पैदा करना किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान की 7,000 में से 5,500 किलोमीटर सरहद है भारत और अफगानिस्तान के साथ हैं, जो दोनों किसी भी सूरत महफूज नहीं और दोस्ताना भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो अफवाज के बाद पाकिस्तान के हालात बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। अब यकीन से नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान में ऊंट किस करवट बैठेगा, बैठेगा भी ये खड़ा रहेगा। और दूसरी जानब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर गासबाना कब्जा करके जुनूनी भारतीय क्यादत खत्ते के हालात को लहूलहान करना चाहती है। और तीसरी तरफ फाटफ ने पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा और रखकर आलमी प्रेशर बरकरार रखा हुआ है। चौथा, इक्तसादी तौर पर पाकिस्तान बदस्तूर IMF की कॉलोनी बना हुआ है, और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है जिससे मुल्क को बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त बदकिस्मती ये भी है कि हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं और अपोजिशन में भी ऐसे लोग हैं जो अपने अपने काम से नावाकिफ नज़र आते हैं। हुकूमत वालों का लहजा अपोजिशन का सा है और अपोजिशन का हुकूमत का सा है, जिसका नतीजा यह है कि हमारी जमहूरियत आगे बढ़ने की बजाय पीछे भागने में लगी है। मेरी नज़र में अगर इस वक्त पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा मसला है तो वह अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, क्योंकि आने वाले सालों और दहाइयों में जो भी अफगानिस्तान के हालात होंगे वो पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होंगे। बल्कि दूसरी चीज़ की तरह इस मामले पे भी हमारे सियासतदानों को कुछ ज़्यादा इदराक नहीं कि क्या हो रहा है या होने वाला है। रही बात अवाम की, तो वो भी लगता है कि सिर्फ टिकटॉक बनाने और देखने में लगी हुई है, किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे दरवाजे पर क्या मुसीबत दस्तक दे चुकी है। मामला ये भी है कि अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी बेढंगा फैसला मुल्क को एक बार फिर खुदा न खास्ता शदीद बहरान से दोचार कर सकता है। कौमी मईशत तो वैसे ही कमज़ोर है, कोविड वायरस ने भी हालात की खराबी में अपना हिस्सा डाला है, और अब अगर अफगानिस्तान के हवाले से कोई मुहिम जो ही होती है तो पाकिस्तान के लिए मामलात को संभालना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। कर्नल दनवीर सिंह ने साफ शब्दों में चीमा को समझा दिया, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत के ऊपर ड्रोन हमला करने की, और भारत इसका जवाब देगा, और ये तुम गांठ मार के रख लो।
भारत ऐसा मुल्क नहीं है जो वार खाए और चुपके से चला जाए। अब बच के रहे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और साथ ही साथ अखंड भारत तो बनकर रहेगा, किसी के बाप में दम नहीं जो रोक सके। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये हमारे दिल में बसा हुआ है और इसको हम पूरा करके रहेंगे। ये सुनने के बाद चीमा के होश फाँकता हो गया और चुपचाप बैठा हो कर्नल साहब की बातें सुनता रहा। इस चीज़ से पता चलता है भारत के लोगों में कितना जुनून है और कितनी शक्ति अपने दुश्मन को चुप कराने की। जय हिंद दोस्तों, और आगे जाके देखते हैं पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, जिस रफ्तार से पाकिस्तान गड्ढे की तरफ जा रहा है। धन्यवाद फ्रेंड्स।